श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म छिछोरे और साहो की सुर्खियां बटोरने में लगी हुई है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी बात जो आपको भी चौंका देगी। दरअसल श्रद्धा कपूर पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से पीड़ित है। जी हाँ, इस बीमारी का खुलासा श्रद्धा कपूर ने खुद ही किया है। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने इस बात को सबके सामने लाया। श्रद्धा ने बताया कि उन्हें पिछले 6 सालों से एंग्जाइटी की समस्या हो रही है। श्रद्धा कपूर ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि एंग्जाइटी क्या चीज़ होती है। मुझे बहुत लंबे समय तक इस बारे में पता नहीं था। ये मेरे साथ आशिकी 2 फिल्म के बाद हुआ था। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने कई सारे टेस्ट करवाए, लेकिन रिपोर्ट में किसी भी बीमारी का नाम सामने नहीं आ रहा था। मैं सोचती थी कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है, लेकिन फिर मैंने अपने आप से पूछा। इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे फिजिकल एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है। अपने दिए गए एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने अपनी इस बीमारी का खुलासा किया है। श्रद्धा ने कहा कि मैं आज भी इस चीज़ से जूझ रही हूँ और इससे निपटने के लिए पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ। कहीं ना कहीं मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा, और हर किसी को इस चीज़ को स्वीकार करना होता है और मानना होता है कि ये आपका ही हिस्सा है और इसे आपको बहुत ही शांति के साथ प्यार से निपटाना होगा। ये एक फ़र्क है कि आप इससे जूझ रहे हो या नहीं। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं। आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना होएं और इस बीमारी का खुलकर सामना करें। श्रद्धा कपूर के फिल्मी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो उनकी अगली फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D होगी, और ये फिल्म अगले साल 24 जनवरी को रिलीज़ होने जा रही है। इसके बाद 6 मार्च को श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 रिलीज़ होने वाली है, जिसमें वो टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।